जयपुर में स्कीम में रुपए लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ पर अवधपुरी भाठा गांव निवासी हलधर राव गावड़े पर एक व्यक्ति ने 53,75,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। प्राथमिकी की शिकायत पर पुरानी बस्ती थाना ने मामले को दर्ज कर लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि मामले में कि प्रार्थी इस तरह के दूसरे मामले में आरोपी के साथ से आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद में न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी की उसकी पत्नी प्रीति राव ने लोगों से बीसी खिलाने के नाम से पैसा जमा करवाते थे और लॉटरी में बीसी में जो पैसा मिलता था उसे पैसा वापस करते थे। इसी तरीके से उन्होंने अनेक लोगों के पैसे लिए और उसके बाद पैसा देना ही बंद कर दिया। जांच के बाद पाया गया कि हलधर राव गावड़े और उसकी पत्नी प्रीति राव द्वारा अनेक लोगों से डबल पैसा स्कीम करने के नाम से और बीसी खिलाने के नाम से बहुत सारा पैसा लिया गया है, जिसमें पूर्व में भी हलधर राव के खिलाफ FIR पंजीबद्ध करके चालान पेश करके उसे सजा हो चुका है।